आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत के उस भौतिक पक्ष की जिसको कि नास्तिक परंपरा में सम्मिलित किया जाता है जो कि हमारी वेद परंपरा की एक विरोधी अवधारणा है वेद और औपनैस्तिक परंपरा जो है वह वेद और औपनैस्तिक परंपरा आध्यात्मिकता का समर्थन करती है यानी उसके केंद्र में आत्म तत्व है लेकिन उस केंद्रीय आत्म तत्व को भौतिकतावादी अवधारणा ने पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया या हटा दिया यानी विचारधारा के केंद्र बिंदु में भौतिकता को स्थापित करने का प्रयास किया मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था जब वाद शब्द लग जाए यानी एक ऐसी केंद्रीय भूत विचारधारा जिसमें भौतिकता के इर्द गिर्द ही व्याख्या हो रही हो तो उसे भौतिकतावाद कहते हैं इस भौतिकतावाद को हम यदि भारतीय ऐतिहासिक विवेचन को देखा जाता है तो इस भौतिकता को हम विभिन्न चरणों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं सर्वप्रथम इस भौतिकता के पहलू को हम ऋग्वेदिक काल से ही देख सकते हैं ऋग्वेदिक काल में जो देवताओं के लिए स्तुतिपरक मंत्र थे उन स्तुतिपरक मंत्रों का उद्देश्य भौतिक सुखों की व्याख्या करना था स्तुति परक ग्रंथ या मंत्र जो थे वह भौतिकता के इर्द गिर्द चल रहे थे देवताओं की उपासना जो थी वह भौतिक सुखों के निहितार्थ की जाती थी यदि मूलभूत बिंदु देखा जाए तो हमें ऋग्वेदिक काल से ही मिलने लगता है यह बात हुई लगभग पंद्रह ईसा पूर्व की फिफ्टीन हंड्रेड बी सी तो भौतिकता का बीज तो तैयार हो गया था जो कि काल में मिला लेकिन आपको कल मैंने परिचर्चा में बातचीत करते हुए बताया कि वेद परंपरा जो है वह किसी भी स्थिति के लिए एक बीज रूप है वह बीज रूप विकसित हुआ उसकी व्याख्या ब्राह्मणों में देखी गई वही बीज रूप अरण्यक में देखा गया वही बीज रूप उपनिषद में मिला अंतर केवल इतना बना कि उपनिषद जो है किसी भी बात को संवाद में परिचर्चा में वाद-वाद में स्पष्ट करता था यानी किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए तर्कों का बौद्धिकता का आधार बनाया गया जिसके माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया जाता था तो औपनैस्तिक काल में इस भौतिकता को स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचारक का है, जो कि भौतिकतावाद का पहला विचारक बना और वह महत्वपूर्ण नाम है उद्दालक आरुणी का यह उद्दालक आरुणी औपनै काल के प्रथम विचारक हैं जो कि भौतिकता को केंद्र में रख देना चाहते इन्होंने अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि भौतिकता ही मूल है इसकी स्पष्टता के लिए एक प्रयोग किया बड़ा ही सरल प्रयोग था जिससे कि आसानी से समझा जा सके कि भौतिकता ही आधार है जो अध्यात्मवादी होते हैं वो कहते हैं सभी प्रकार के विचारों का केंद्रीय बिंदु आत्म तत्व है यह आत्मा ही शरीर को यह आत्मा ही मन को यह आत्मा ही बुद्धि को यह आत्मा ही अहंकार को सभी को नियंत्रण करती है इन सभी की व्याख्या करती है तो इस बात को पूरी तरह से एक उदाहरण से एक प्रयोग से उद्दालक आरुण ने बदल दिया क्या प्रयोग था वह जरा समझने का प्रयास करते ने अपने विद्यार्थी को पहले आश्रम व्यवस्था होती थी गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे तो उन्होंने एक बच्चे को एक कक्ष में एक कमरे में बंद कर दिया जितना वो खाता पीता था जैसे कि मान लो वो चार रोटी खाता था, था तो धीरे धीरे उसकी कुछ रोटियां कम कर दी चार से तीन कर दी तीन से दो कर दी कुछ दिनों बाद रोटी ही बंद कर दी फिर उसकी सब्जी भी बंद कर दी फिर पानी भी पीना बंद कर दिया धीरे धीरे कुछ समय बाद उसकी याद रखने की क्षमता मंत्रों की स्मरण शक्ति ऐसा विस्मृत होने लगी यानी अब तो उसकी स्थिति ये हो गई थी कि ना तो उसकी बुद्धि कार्य करती थी ना ही मन कार्य करता था ना इंद्रियां कार्य करती थी और शरीर तो अपने आप ही शिथिल होने लगा कुछ दिनों बाद इस प्रक्रिया को फिर से विपरीत कर दिया गया उसको जूस दिया गया फिर पानी दिया गया धीरे धीरे उसे वेजिटेबल सब्जियां पीती गई फिर धीरे धीरे रोटी भी देना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके उसे मंत्र फिर से याद आने लगे यानी अब उसका मन भी कार्य कर रहा था बुद्धि भी कार्य कर रही थी इंद्रियां भी कार्य कर रही थी और शरीर भी कार्य कर रहा था तो जो चीज आत्म तत्व निर्धारित कर रहा था पहले चेतन तत्व निर्धारित कर रहा था अब निर्धारण का आधार हो गया भौतिकता खाओगे नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा ना तो दालक आर्वी ने तो स्थिति पलट दी बोले कि चेतना का आधार विचार का आधार मन का आधार बुद्धि का आधार इन सब का आधार तो भौतिक तत्व ही है स्थिति बदल दी तो जो अपने स्थिति टाइम है इसमें फिर से वापस आ गई चीज जहां समयों, समय में जहां तत्व से विचार तत्व से चीजों का निर्धारण हो रहा था अब निर्धारण का आधार भौतिक तत्व बना दिया तर्क को आधार बनाकर बौद्धिकता का प्रयोग करके ये बात हो गई लगभग 1000 हजार बीसी की 1000 हजार ईसा पूर्व की थॉट आगे बढ़ रहा था जब थोड़ा सा यह प्रभाव बढ़ने लगा और भौतिकता को बल मिलने लगा कि जितनी भी भौतिकतावादी हैं वो भौतिकता का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से तो इंद्रियों के प्रयोग की बहुलता बढ़ने लगी अगर इंसान अपने इंद्री अनुभव को ही प्रबलता देगा या महत्व तो देगा तो हर इंसान का अपना अपना इंद्रिय अनुभव होगा तो फिर तो वही बात अपनी ढपली अपना राख हर इंसान का अपना अनुभव वो अपने अनुभव से व्याख्या करेगा स्थिति एक दिन आत्मशता का रूप धारण कर लेगी यानी हर इंसान अपने हिसाब से चीजों को डेराइव करेगा और जब इंसान आत्मनिष्ठ हो, हो जाता है तो वह एकाकी हो जाता है उस एकाकीपन में वह अपनी इंद्रियों का भरपूर प्रयोग करता है वह अपने अस्तित्व का भान इन इंद्रियों के भरपूर प्रयोग से करता है जितना अधिक से अधिक इंद्रिय प्रयोग उतना ही उसे लगता है कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पा रहा है जब इस प्रकार की स्थितियां बढ़ेंगी ना तो निश्चित तौर पर एक समय के बाद इन भौतिक सुखों के लिए एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा कौन कितना अधिक भौतिक सुख प्राप्त करे कौन कितना अधिक इंद्रिय सुख प्राप्त करे इसमें व्यक्ति दिन रात लगा रहेगा और ये प्रबलता बढ़ने लगी निश्चित तौर पर समकालीन तौर पर आत्म तत्व तो भी चल रहा था लेकिन ये विचारधारा भी समानांतर बह रही थी इस बात को समझ सकते हैं 600 हंड्रेड बी सी से 600 सौ ईसा पूर्व यह समय है गौतम बुद्ध का महावीर स्वामी का आपको शायद गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो उस समय भौतिकतावादियों का बड़ा जोर चल रहा था भौतिकतावादी अजीत केस कंबिल आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल संशयवाद के संजय वे पुत्र यानी कुछ भौतिकतावादी विचारधाराएं पैरल चल रही थी कुछ नाम जैसे मैंने बताया आपको आजीवक मक्खली गोसाल भौतिकतावाद अजित केस कंबली संशयवाद संजय वेलट्ठीपुत्र ऐसी विचारधाराएं जो थी वह भौतिकतावाद का समर्थन करती थी आजीवक जैसे संप्रदाय तो बड़े ही भाग्यवादी थे नियतिवादी थे यानी ये विचारधाराएं ऐसी निकली जो भौतिकतावाद को बल दे रही थी यानी भारत में भौतिकतावाद कोई नया बिंदु नहीं है यदि इसका प्रारंभ देखा जाता है तो वेद परंपरा से शुरू हुआ और चलता ही जा रहा है थोड़ा इतिहास आगे बढ़ा तो महाभारत काल उससे भौतिकतावादियों को धारण मिलते हैं रामायण काल उससे भौतिकतावादने को धारण मिली। रामायण में तो यहां तक कह दिया गया कि जो भौतिकतावाद की तरफ भागते हैं वो बड़े ही मूर्ख हैं यानी 400 हंड्रेड तक ये थॉट चलता चला जा रहा है पैरल यानी ये विचारधारा आगे बढ़ती ही जा रही है जब भारत में पुराण लिखे गए तो पुराणों में कुछ इस तरह की बातें आने लगीं जिससे पता लग रहा था कि भौतिकतावाद यहां भी प्रबल था या इस विचारधारा को देखा जा सकता था पुराणों में बड़ी बड़ी कहानियां बड़े बड़े आख्यान जिसमें कुछ बड़ी कहानियां पॉपुलर हुई कहा जाता है कि यह पौराणिक काल में ही था कि देवताओं में और असुरों में संघर्ष होता रहता था संघर्ष में जो देवता थे वो असुरों से हार जाते थे अच्छर बड़े ताकतवर थे बड़े बलिष्ठ थे तो उन्होंने देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा था उनका जीना मुहाल कर दिया बड़ी विपत्ति में आ गए तो सभी देवता मिलके ईश्वर की शरण में गए हे प्रभु अब बचाओ इन असुरों से तो देवताओं ने जो बड़े ईश्वर थे उन्होंने कहा कि गुरु के पास जाओ तो कहा जाता है गुरु बृहस्पति ने एक विचारधारा को व्याख्यात किया बृहस्पत सूत्र कुछ फॉर्मूलाज दिए कुछ बातें कही गुरु बृहस्पति ने यदि उस मान्यता को कोई मानने लगे ना तो वह अपना विनाश खुद ही कर लेगा तो वास्तव में जो विचारधारा थी भौतिकतावादी विचारधारा थी जिसको गुरु बृहस्पति ने असुरों के विनाश के लिए दिया इसमें बात स्पष्ट होने लगी कि यदि कोई भौतिकतावाद का अनुसरण करेगा तो एक दिन स्वयं ही समाप्त हो जाएगा वो अपना विनाश कर लेगा कैसे अब यदि भौतिक सुखों के लिए लोगों में कलह होने लगे हर इंसान अपने ही सुख के पीछे भागे देखते हो ना ट्रेन में मैंने सीट कवर कर ली मेरा रूमाल रखा था मेरी जगह है पैर फैला के बैठ गए मेरी जगह है जगह किसी की नहीं रेलवे डिपार्टमेंट की जगह है वो तो अब लेकिन फिलहाल उसकी जगह हो गई वो तो तो अपने सुख के लिए लोग अंतर कलह करने लगे ये समस्या होनी है जब अंतर कलह होगा तो झगड़ा होगा ना उनका आपस में और झगड़े की जब सीमा बढ़ जाएगी ना तो समझ ही सकते हो हो सकता मारपीट जरा जोर से चलने लगे हाथ पैर भी चलने लगे कुछ समय पहले तो पिट गया फिर बताएंगे तुम्हें मिलने दो तुम्हें मौका मिलते ही पीट लेंगे यानी ये जो सुख की इच्छा है ना ये कलह करा सकती है सुख बेसिकली सामान्य रूप इंद्रिय सुख लिया जाता है तो इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ता है जैसे जैसी कामनाएं बढ़ती हैं ना वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती इंसान के अंदर क्रोध आ जाता है और क्रोध का तो परिणाम जानते ही और जब अतिशय क्रोध हो तो संघर्ष बढ़ना स्वाभाविक ही है तो गुरु बृहस्पति ने ऐसा ही दर्शन बना के छोड़ दिया और ये बना दिया असुरों के लिए तो पौराणिक मान्यता ऐसी है कि यह भौतिकतावादी विचारधारा गुरु बृहस्पति की देन है लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कोई चारवाक नामक कोई मुनि रहे थे चारवाक नामक कोई मुनि रहे थे जिन्होंने इस भौतिकतावाद को जन्म दे दिया इसलिए इसको चारवाक दर्शन कहा जाता है लेकिन यह थॉट मिल तो रहा है बार बार मिल रहा है हर टाइम पे मिल रहा है हर समय मिल रहा है लेकिन अभी यह भौतिकतावादी विचारधारा व्यवस्थित नहीं हो पाई है जब भी किसी को बुराई करनी होती थी ना किसी की या किसी विचारधारा की चारवाक ने ऐसा कहा होगा वही दुष्ट प्रकृति का है जैसे क्लास में समझाने की बात कहें तो जैसे मान लो क्लास के सभी विद्यार्थी प्लान कर लें कि मुकेश सबसे शैतान है प्लान कर लिया कुछ भी क्लास में हो जाए बोर्ड टूट जाए मुकेश नहीं तोड़ा होगा कुर्सी खराब हो जाए मुकेश नहीं की होगी किसी कॉपी चोरी है मुकेश मुकेश नहीं की होगी राम तो क्लास में चलो अच्छी बात है नहीं तो कहोगे सर मुकेश के पीछे पड़ गए ठीक है ना अब कुछ भी हो जाए किसी कलम खो जाए कोई ही खड़ा खड़ा गिर जाए मुकेश ने तगड़ी मारी होगी तभी मैं गिर गया अब क्या होगा इसका अब मुकेश क्लास में हो या ना हो लेकिन किसी आने वाले नए व्यक्ति को तो ही लगेगा ना मुकेश से नामक कोई व्यक्ति होगा तो जितनी वैचारिक परंपराएं थी उन सभी वैचारिक परंपराओं ने एक किसी विशेष विचारधारा को या किसी विशेष विचारधारा की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह दर्शन एक आलोचना का शिकार हो गया पता नहीं चारवाक दर्शन था भी कि नहीं था लेकिन इसने अपना आलोचनात्मक पक्ष में एक स्वरूप बना लिया इस बात का स्पष्टीकरण एक थिंकर हैं आचार्य मध्य इनकी बड़ी पॉपुलर किताब है सर्वदर्शन संग्रह ध्यान रखना ये सब जीएस के काम के भी हैं आपके और यही सब इंटरव्यू काम के ध्यान रखना सर्वदर्शन संग्रह ये बुक लिखी थी आचार्य मध्व ने या मध्वाचार्य जो मैंने कल बताया था ना दर्शन योग न्याय वैसे सिख मीमांस और वेदांत जितने छह दर्शन है, सभी एक विशेष दर्शन की आलोचना कर रहे थे वह विशेष दर्शन था तो इस चारवाक दर्शन का स्वरूप आलोचना में ही तैयार हो गया अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया जैन और बौद्ध भी आलोचना कर रहे थे जैन और बौद्ध दर्शन जो आलोचना कर रहे थे वो नैतिक दृष्टिकोण से पतन की वजह से कर रहे थे जैन और बौद्ध बड़े ही व्यवहारिक दर्शन है उन्हें ऐसा लगा कि भौतिक सुखों की तृप्ति के लिए यदि इंसान भाग दौड़ करता रहा ना तो एक दिन इस संसार में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और नैतिकता का पतन हो जाएगा तो जो ये चार वाक था आलोचना का शिकार होता रहा यानी सभी भारतीय दार्शनिक परंपराएं इस मान्यता का विरोध करती रही तो आलोचना में तैयार तो होने लगा में हो गया, किताबी रूप में चार वाक्य कुछ पैरू दिखने तो लगा लेकिन अभी भी यह व्यवस्थित नहीं हो पाया राजपूत काल में यह विचारधारा थोड़ी व्यवस्थित हुई एक राजा हैं जय सिंह कहीं कहीं जय राशि भट्ट लिखा मिलता है इनका नाम इनका संकलन रहा तत्व पप्लव सहिनता या तत् कहीं कहीं मिलता है तत्व पल्लव सहिनता तो एक किताब मिली तत्व पल्लव सहनता कहीं तत्पल्लव पल्लव भी लिखा मिलता है पपलव संहिता मिलता है तो ये जय सिंह या जय राशि भट्ट इन्होंने कंपाइल कर ली यानी हम जो चारवाक दर्शन पढ़ते हैं ना या हम जो चर्चा करेंगे तो इस किताब के आधार पर चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे व्यवस्थित रूप जो है चारवाक का इसी जगह संकलित हुआ ये किताब बहुत बाद में प्रकाशन विभाग में आई 1940 में संकलित होकर लोगों के लोग सामने आई लेकिन इसका ओल्ड फॉर्म काफी पहले राजपूत काल में तैयार हो गया था क्लियर एक मिनट क्लास के बाद सवाल लिख लो आप ठीक ना ये क्लास हर जगह चल रही है पूरे इंडिया में ठीक ना हाँ तो ये नॉलेज जो थी चार वाक्य भौतिकतावादी विचारधारा जो है यह मिलने शुरू हो गई अब उसने एक वस्तु रूप ले लिया जो ये टाइम चल राजपूत काल का इस भौतिकतावादी विचारधारा में दो प्रकार के भौतिकतावादी लोग आए एक ऐसे थे जो पूर्ण रूपण भौतिकता पर ही आधारित होकर चले जिन्हें अशिक्षित चारवाकी कहा गया लेकिन वहीं कुछ चारवाकी ऐसे थे जिन्हें शिक्षित की श्रेणी में रखा गया क्या बात थी कि विचारधारा में कुछ लोग शिक्षित श्रेणी में आए और कुछ लोग अशिक्षित श्रेणी में आए यदि कोई भौतिकतावाद का सिर्फ अनुसरण कर रहा है और उस अनुसरण के पीछे या उस अनुसरण के पीछे कोई ना तो तार्किक आधार है और ना ही इस भौतिकता के अनुसरण में कोई लगाम है क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति में जब जीवन को परिभाषित करना था तो कहा गया जीवन को सही मायने में अर्थपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब हम पुरुषार्थों का सहारा लेंगे भारतीय जीवन पद्धति में चार पुरुषार्थ माने जाते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो जो व्यक्ति के पूर्ण रूपण भौतिकतावादी है तो वह अर्थ और काम पर ही निर्भर बना रहता है तो अगर कोई भौतिकतावाद का अंधानुकरण कर रहा होता है ना तो वह इन दो पुरुषार्थों को ही परम पुरुषार्थ मानकर चलता है तो जो अशिक्षित चारवाकी है ना वो अर्थ और काम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं लेकिन जो व्यवस्थित चारवाकी शिक्षित चार वाक्य इसमें एक महत्वपूर्ण नाम वाद का आता है ठीक ना शिक्षित चार वाक्यों में वाद का नाम आता है वो कहते हैं अर्थ और काम पर धर्म की लगाम लगाई जानी चाहिए जब तक इस भौतिकता पर लगाम नहीं होगी तो लगाम लगाने के लिए उन्होंने समझाया अपनी बात रखी वाद साइन ने यदि कोई काम के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले वह जीवन के 25 वर्षों को ब्रह्मचर्य में बिताए ब्रह्मचर्य का मतलब है ज्ञान के प्रति आचरण या ज्ञान के प्रति समर्पण इफ यू आर कंप्लीटली सरेंडर टू नॉलेज यदि आपने अपने को स्वयं को ज्ञान के प्रति पूर्णतया समर्पित किया है तब कहीं आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उत्तराधिकारी होते हो यानी इस प्रकार की चर्चा में स्पष्ट होता था कि हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना है तब कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है यानी आजीव का उपार्जन के जो तरीके हैं वो ज्ञान से नियोजित होने चाहिए ज्ञान से नियंत्रित होने चाहिए तो चार वाक्यों की दो विचारधाराएं उभर कर आई शिक्षित चार वाक्य और अशिक्षित चार वाक्य तो हमें ध्यान रखना है जो आलोचना के विषय बने वो आलोचना के विषय बने अशिक्षित चार वाक्य तो फिलहाल जो चर्चा का विषय बनता भी है ना वो शिक्षित चार वाक्यों का बनता है तो फिलहाल ऐसा इन अशिक्षित चार वाक्यों ने क्या रखा पॉइंट जिसकी वजह से ये आलोचना के शिकार हुए तो देखेंगे जरा तो फिलहाल तो एक शब्द बार बार चल रहा है चार वाक यहीं से आपका यह टॉपिक शुरू होता है तो देखें जरा चार वाक जो चारवाक शब्द है वह बना है चर्व धातु से चर्व मतलब होता है चबाना, च्यू बाइटिंग करना खाते पीते रहना चर्व यानी एक ऐसी विचारधारा जो खाने पीने और मौज मस्ती पर विश्वास रखती हो उसे चारवाक कहा गया इस जिंदगी को मजे से जिएंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिर तो मिलनी ही नहीं है जितना हो सके उतना इंद्री सुखों से जी लो क्योंकि अगर नहीं जिया ना इंद्रिय सुखों को ना तो इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी सब कुछ धरा रह जाएगा तो चार वाक जो है ना खाने पीने मौज मस्ती की बात करते हैं बड़ी मजेदार बात कहते हैं, कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत जब तक जियो सुख से जियो ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत चाहे ऋण लेकर घी क्यों ना पीना पड़े ऋण ले लो घी जरूर पी लो लेकिन भस्मी भूत सही देह दे तो भस्म हो जाने वाली है पुनरागमन कुता पुनः आगमन नहीं होगा किसी का भी नहीं होता इन्होंने कहा जो लोग कहते हैं फिर से आएंगे अरे कोई वापस नहीं आएगा इन्होंने कहा यह देह नष्ट हो जाने वाली है इसलिए जब तक जियो मजे से जी लो खाने पीने मौज मस्ती की बात की इन्होंने ई ड्रिंक एंड बी मैरी जब इस शब्द को दूसरे तरीके से भी तोड़कर देखते हैं तो शब्द बनता है चारु धनवाक चारु मतलब होता सुंदर मनोहर जो सुंदर हो मनोहर लगे वाक मतलब बातचीत ये ऐसी बातचीत करते हैं जो मन को बड़ी अच्छी लगती है ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो मन को खराब लगे ऐसे चार वाकई कहेगा अरे पढ़ लिख कर क्या करेंगे पढ़ लिख कर होता क्या है परीक्षा के समय तो पेपर वैसे ही आउट हो जाता है मेरे अंकल है ना वो तो पेपर वैसे ही दिला देंगे तो बड़ी अच्छी लगती है बातें ऐसी बहुत अच्छी कर रहा है बहुत अच्छी बात कर रहा है तू तो। ऐसी बातें करेंगे जो मन को अच्छी लगेगी अगर पता लगे ना कि पेपर आउट होने वाला और मेहनत नहीं करनी है ना ऐसी बातें बड़े जल्दी फैल जाती हैं। अगर छ बजे पता लगाना तो आठ भी नहीं बच पाएंगे पूरे के पूरे राज्य में यह बात फैल जाएगी यह विचारधारा जो है ना मौज मस्ती की जो है ना या जो ऐसी बातें होती हैं अपना विस्तार बड़ी आसानी से कर लेती हैं, इनका आयतन बढ़ता ही चला जाता है लोक में इनका विस्तार होता ही चला जाता है इसलिए चार वाक फिलॉसफी को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि बातें ही ऐसी करते हैं दुनिया ने हमको दिया क्या दुनिया से हमने लिया क्या इस दुनिया की परवाह करें क्यों ऐसी बातें करते हैं फिर क्या दे दिया किसी ने मुझे तो मैं क्यों सोचूं किसी और के लिए क्यों ना अपने लिए ही सोचू सोचा ना इस तरह की जो बातें थी बड़ी ही रमणीय लगी खूबसूरत लगी अपने लिए जी लो जिसको देखो वही धोखा देता रहता है तो कम से कम अपने लिए तो जी कर देख लो ना तो ऐसी बातें जब की जाती हैं ना तो लोगों को बड़ी मजेदार लगती हैं तो जो ये चार वाक दर्शन है ना बड़ी आसानी से लोक में फैल जाता है इसलिए लोकाय दर्शन कहा जाता है तो चार वाक दर्शन की यह तो थी पृष्ठभूमि इसी पृष्ठभूमि के तहत ही चार वाक दर्शन में अपना विस्तार करेगा हम बात करेंगे चारवाक दर्शन पर ठीक ना तो दर्शन जब बातचीत शुरू करता है ना तो मैंने समझाया कि दर्शन के दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि सर इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो चार वाक दर्शन भी दो भागों में टूट गया जब दर्शन में एंटर किए ना फिलोसफी डिवाइन टू पार्ट हर दर्शन को इसी में दो पार्ट में टूट जाना है चार वाक दर्शन भी टूट गया दो पार्ट में डिवाइड हुआ तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब आपको इतनी परिचर्चा में इतना तो पता लग ही गया है कि चार दर्शन एक भौतिकतावादी दर्शन है यानी इस दर्शन की जो केंद्रीय विचारधारा है या मूलभूत बिंदु जो इसका है या इसकी जो कोर रियलिटी है वो है भौतिकता तो मैंने समझाया आपको कल के लेक्चर में बताया था जो कोर है वह उसका हो गया तत्व तो चार वाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है या तत्वीमांसी विश्लेषण का आधार जो है वह है भौतिकता केंद्रीय बिंदु भी यही रहा तो ये भौतिकतावादी हो जाते हैं तत्वीमांसी तो दृष्टिकोण से और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यदि विचारधारा भौतिकतावादी है तो भौतिकतावादियों की सोच बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि पाशात ने अपने आप को विकसित किया कल समझाया था मैंने ना यदि यह दृष्टिकोण मेटलिस्टिक हुआ तो इनके जो भौतिकतावादी जो होते हैं उनके लिए ज्ञान मीमांसा पहले और तत्वांसा बाद में आती है यानी यदि चार वाक्यों को अपने इस बिंदु को इस पॉइंट को प्रूफ करना है कि भौतिकतावादी केंद्रीयता में है या मूल में भौतिकता ही है तो इस मूल की व्याख्या के लिए इन्हें पहले इस बिंदु की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा यानी सीधे सब बिंदु बना कि चार वाक अपने भौतिकतावाद की व्याख्या के लिए ज्ञान मीमांसी पक्ष पर निर्भर करता है या कह सकते हो चार वाक भौतिकतावादी दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए ज्ञान मीमांसी पक्ष से इसकी व्याख्या करता है यानी यह ज्ञान की मांग करता है अब मैंने समझाया पिछले लेक्चर में कि यदि ज्ञान की व्याख्या करनी है तो ज्ञान के लिए प्रमाणों का होना आवश्यक है यदि आपके पास प्रमाण है ना तो ज्ञान बड़ा ही सहज हो जाएगा यदि आपके पास प्रमाण नहीं है तो ज्ञान की सहजता ज्ञान सहजता में आपके पास नहीं आ पाएगा तो कल ही मैंने एक बिंदु और रखा था कि यदि प्रमाणों की बातचीत की जाए तो प्रमाणों को किस दर्शन ने व्याख्यात किया था न्याय दर्शन ने वेरी गुड तो यदि ज्ञान की व्याख्या करनी है तो ज्ञान के साधनों पर या ज्ञान के प्रमाणों पर निर्भर होना पड़ेगा और इन प्रमाणों की विस्तृत परिचर्चा जो है वो न्याय दर्शन ने कर रखी है अब शब्द इस्तेमाल हुआ प्रमाणों पर तो न्याय दर्शन ने ऐसे कितने प्रमाण माने हैं तो भारतीय दर्शन परंपरा में न्याय दर्शन ने इन प्रमाणों पर विस्तृत चर्चा की वो प्रमाण चार प्रमाणों पर विस्तृत चर्चा करते हैं वे प्रमाण हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द न्याय दर्शन चार प्रमाणों पर चर्चा करता है और विस्तृत चर्चा की इसने सभी प्रमाणों को लेकर चार वाक दर्शन एक भौतिकतावादी दर्शन है तो अपने भौतिकतावाद को बनाए रखने के लिए वह इन प्रमाणों में एक ही प्रमाण को स्वीकृति दे सकता है क्योंकि मैंने समझाया कल आपको भौतिकता जो है कैसे जानोगे इंद्री अनुभव से ठीक ना इंद्री अनुभव से तो प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्री अनुभव से होता है यदि हम शब्द रखें इंद्री अनुभव शब्द अपेक्षा करेगा ना किसी की इंद्री ने अनुभव किया किसका अनुभव किया इंद्री अनुभव करेगी ना तो किसी भौतिक वस्तु का ही तो अनुभव करेगी ना पंखा चल रहा हो बड़ी ठंडी हवा है ये बोर्ड बड़ा ही चिकना है अनुभव हुआ ना आप बड़ी ही मधुर भाषा में बात करते हो अनुभव हुआ ना कानों का बड़ा टेस्टी खाना है अनुभव हुआ ना तो इंद्रिय अनुभव होगा किसी वस्तु से ही होगा ना किसी भौतिक चीज से ही होगा ना यह शब्द अपने आप ही अपेक्षा रख रहा है आपको मुझे अनुभव हो रहा है अगर मैंने कहा किसका अनुभव हो रहा है अरे बता नहीं सकते अनुभव हो रहा है तो मतलब है कि आपने अनुभव को जाना ही नहीं अरे अनुभव हुआ तो किसी चीज का हुआ ना यानी अगर ये पॉइंट निकल आया ज्ञान का आधार एकमात्र इंद्री अनुभव है अब पकड़ना शब्दों को एकमात्र आधार इंद्रिय अनुभव अब जैसे ही मैंने कहा एकमात्र ज्ञान का आधार अनुभव अब जैसे शब्द इस्तेमाल किया एकमात्र एकमात्र कहते ये शब्द अपने आप हटेंगे क्लास में एकमात्र विद्यार्थी को आता है सबके साथ हटाओ फिर तो ऐसी पॉइंट रखा चार दर्शन कहता है ज्ञान का एकमात्र आधार प्रत्यक्ष है तो अपने आप ही लाइन आगे बढ़ेगी इसमें एकमात्र ज्ञान के आधार को सिद्ध करने के लिए ध्यान रखो शब्दों का ही खेल है फिलोसॉफी पूरा अपने आप ही अगली लाइन ओपन हो जाती है इसमें अगर मैंने कहा ना प्रमाणों में एकमात्र प्रमाण एकमात्र शब्द लिखना जरूरी होगा यहां पर तभी तो वो लाइन आगे बढ़ रही होगी प्रमाणों में एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है तो अपने आप शब्द लाने पड़ेगा और कौन कौन से प्रमाण होते हैं अपने एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए चार वाक दर्शन न्याय दर्शन के अन्य प्रमाणों अब शब्द अपने आप आ जाएंगे अन्य प्रमाण अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण का खंडन करता है लाइन अपने आप आगे बढ़ गई दर्शन अपने भौतिकतावाद को सिद्ध करने के लिए एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को स्वीकृति देता है अपने इस एकमात्र प्रमाण की सिद्धि के लिए वह न्याय दर्शन के अन्य प्रमाणों अर्थात अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण का खंडन करता है अब शब्द बढ़ गए ना अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण तो अब सीक्वली आगे बढ़ोगे ना क्रम से यानी चार भाग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले अनुमान प्रमाण का खंडन करेगा उसके बाद फिर वह उपमान प्रमाण का खंडन करेगा फिर उसके शब्द प्रमाण का खंडन करेगा यदि प्रमाण सब काट दिया उसने खंडन कर दिया ना तो एकमात्र बचेगा ना यदि उसे एकमात्र प्रत्यक्ष को मानना है तो या तो वो इनको काट दे या इनमें से किसी को अपने मिला ले सिंपल में समझो यदि किसी को एकमात्र राजा बनना हो ना तो किसी राजा का सिर काट लाए और राजाओं के सिर काटने लगी या किसी राज्य को अपने में मिला लेना जब वो एक दिन सबकी सिर काट ले फिलहाल तो यहां चार ही लोग हैं तो किसी का तो खंडन कर दो और किसी को अपने मिला ले तो एकमात्र बचेगा ना तो चार वाघ दर्शन एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों का खंडन करता है फिर एकमात्र बचा तो वैसी शब्द आ जाएगा इंद्रिय अनुभव वो इंद्रिय अनुभव लेते ही वस्तु अपने आप आ जाएगी तो उसने दिमाग लगाया अपना कि एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को स्वीकृति देता है इसलिए अन्य प्रमाणों अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण का खंडन करता है क्लियर को रखो, में सब लाइन एक के बाद चली जाती है इसमें कोई चीज बिल्कुल भी नहीं रटनी है रटा जाता ही नहीं फिलोस में पिछले लेक्चर को साथ लेकर चलना रेफरेंस हमेशा चलता रहेगा पहले बताया था ध्यान रखो हाँ पिछली क्लास में नहीं हो तो आपके सवाल बनते रहेंगे इसलिए ध्यान रखो पिछली क्लास को क्लियर करते हुए चलो अपने आप ही ठीक ना तो अपने आप शब्द आया कि अब से इन प्रमाणों का खंडन करना होगा तो अब क्रम से हम इन प्रमाणों का सा खंडन करेंगे तो चार भाग सबसे पहले चर्चा करता है अनुमान प्रमाण पर या अनुमान प्रमाण खंडन करता है कोई भी क्लास में रटेगा नहीं बिल्कुल भी अपने आप ही आप लॉजिकली फिर सीख जाओगे चीजों को अब मैंने शब्द रखा अनुमान तो फिलोसफी क्या करती है पहले शब्द कोई तोड़ती अगर हमें किसी का खंडन करना है ठीक ना अगर खंडन करना है तो पहले उसे जानना तो होगा जिसका खंडन कर रहे हो तो ध्यान रखो यदि कोई तकनीकी शब्द आया तो पहले तकनीकी शब्द को परिभाषित करना ही होगा तभी उसका खंडन होगा अगर आप डायरेक्टली खंडन किया एक ही मार्क्स नहीं मिलेगा ध्यान रखो अगर हमें अपनी विपक्षी पार्टी का खंडन करना है तो विपक्षी पार्टी के पॉइंट तो पता हो ना जिन पॉइंट्स का खंडन कर रहे हो हम आपकी बात को नहीं मानते हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानते अरे आपकी बात में बिल्कुल दम ही नहीं अरे बात तो बताओ किस बात को नहीं मानते हो बार बार कहे जा रहे हो आपकी बात नहीं मानते हैं बात नहीं मानते हैं। अरे सुन भी तो लो या बता भी तो दो क्या बात है जिसको आप नहीं मानते हुई? नहीं मानते हैं तो पहले समझो अगर कोई शब्द आए ना तो शब्द को संक्षिप्त में परिभाषित करना अपरिहार्य है बिल्कुल आवश्यक है देखो जरा अनुमान तो अनुमान पहले बताना पड़ेगा तो खंडन करोगे ना तो अनुमान करो अनुमान जो है वह दो शब्दों का मेल है अनु प्लस मान अनु का अभिप्राय है पश्चात से और यहां मान का मतलब है ज्ञान से पूरा शब्द बन गया पश्चात ज्ञान अगर भाई पश्चात ज्ञान शब्द है ना तो यानी इसके पहले कोई पूर्व ज्ञान तो होगा ना पश्चात शब्द आ रहा है इसका मतलब पूर्व ज्ञान होगा कोई ना कोई यानी पश्चात ज्ञान जो है वह पूर्व ज्ञान की अपेक्षा रखता है अपने आप लाइन बन जाएगी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए न्याय दर्शन ने एक उदाहरण बनाया कैसे समझोगे साहब अनुमान को आप तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया मान लो कि कोई पर्वत है आपको परीक्षा में ना तो कोई फोटो बनानी है ना ही कोई फिगर बनाना है ना ही कोई ग्राफ बनाना है ध्यान रखो दर्शन एक वैचारिक विषय है वैचारिकता में ही इसका प्रस्तुतिकरण होगा हम बोर्ड पर लिख रहे होंगे तो वो आपको नहीं करना है वहां पर ये समझाने के लिए होगा ऐसे मैंने लिख दे अनुप्लस मान आपको नहीं लिखना होगा आप सीधे लिखना अनुमान शब्द अनु और मान दो शब्दों से मिलकर बना ऐसे तो लिखा हो परीक्षा में अनुप्लस मान गणित थोड़ी ना है ठीक ना आपको बिल्कुल कला की तरह लिखना है इसको जैसा विषय उसका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल परंपरागत होता है ध्यान रखो बिल्कुल परंपरागत सर लिख क्यों नहीं सकते हैं तो भाई सबसे पहले व्यक्ति से पूछो जिसने ये परंपरा शुरू की थी ठीक ना परंपरा के विरोध में जाना है तो रिसर्च करो यूपीएससी मत जाओ सोरो जो पहले कह दिया गया उनको फॉलो करो ये फिलॉसफ़ी कह रही है भाई हमारी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ चार जैसा कहेगा बुद्धा जैसा कहेंगे न्याय जैसा कहेगा हम बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे फिलहाल वापस आते हैं बिंदु पर मान लो कि कोई पहाड़ है या पर्वत है चलो बोर्ड पर ध्यान देंगे और कोई पर्वत के इस तरफ खड़ा है और उसको खड़े होकर धुआं दिख रहा है ज्वालामुखी मत बनाना परीक्षा में ठीक ना कि ज्वालामुखी बच्चे बना देते हैं मैं देखता हूं टेस्ट कॉपी में बना दिया ज्वालामुखी वजह से उसके अंदर से धुआं निकल रहा ठीक ना भाई यहां से धुआं से दिखाई दिया तो इसने जैसी धुआं देखा तो उसने कहा कि दूसरी साइड में ना आग है यहां तो दिख ही रहा लेकिन उसे धुआं दिखाना उठते हुए उसने तो कह दिया आग है यानी देखें जरा अगर हमें यह पॉइंट निकालना है पर्वत पर आग है यानी हमें इसका अनुमान करना है तो हमें कितनी बातें जरूरी है पता हूं एक तो दिख रहा हो धुआं पर्वत पर, पर धुआं है तो क्या इससे बात प्रूफ हो जाएगी क्या मां तधूरी होगी क्यों क्योंकि भाई जब तक आपको ये कंफर्म पता ना हो कि धुएं और आग में एक संबंध होता है अगर आपको ये पता हो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है अगर आपको इस संबंध का पता है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है अगर आपको ये पता है यानी अगर ये चीज पता है तो आपको धुआं दिखते ही अपने आप ये पॉइंट निकाल लोगे कि पर्वत पर है जब तक ये बिंदु पता नहीं हुआ ना तब तक ये पॉइंट डराइव नहीं होगा सरल शब्दों में कहें कि जैसे मान लो ये दो अच्छे मित्र हैं ना? और ये हमेशा साथ साथ घूमते पढ़ने भी साथ साथ जाते हैं। लौट कर भी साथ साथ आते घूमने भी साथ साथ जाते हैं खेलने भी साथ साथ जाते हैं लोन में से कोई एक मेले में मिल गया तो तुरंत देखने वाला कहेगा दूसरा भी यही कहीं होगा देख भले ही नहीं रहा है समझने के लिए सिर्फ ठीक ना यानी अगर आपको ये पता हो जहां धुआं वहां आग क्लियर तो जैसे ही आपने धुएं को देखा वैसे ही बता दिया आग तो इन दोनों में एक संबंध है लेकिन इस संबंध की बड़ी खासियत है क्या खासियत है संबंध की कि भाई जहां धुआं होगा वहां आग जरूर होगी लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहां आग हो वहां धुआं हो ही तो बड़ी स्पेशल बात है ये तो। यानी जहां धुआं वहां आग लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां आग हो वहां धुआं हो ही यानी इन दोनों में एक प्रकार का विशेष संबंध है एक स्पेशल संबंध है क्लरोना स्पेसिफिक कैसा हुआ एक से दूसरा तो डराइव हो रहा है धुएं से आग का तो पता लग रहा है लेकिन आग से धुएं के होने का पता नहीं लग रहा है जरूरी नहीं है भाई गैस जला दी किसी ने हीटर जला दिया किसी ने तो धुआं तो नहीं दिखाना एक प्रकार का विशेष संबंध है विशेष होते हुए भी यह एक सामान्य संबंध है एक यूनिवर्सल रिलेशन है कैसे अरे चाहे जोधपुर हो चाहे जयपुर हो चाहे लखनऊ हो चाहे पूना हो चाहे हैदराबाद हो और चाहे दिल्ली हो अगर धुआं दिखा तो आग जरूर होगी विशेष तो है लेकिन ये सब जगह मिल रहा है ऐसा तो यह संबंध विशेष संबंध तो है लेकिन फिर भी यह सामान्य संबंध है किसी ने इस प्रकार के संबंध को बताने के लिए प्रकृति का आधार बनाया ये प्रकृति का नियम है प्राकृतिक नियम है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है वे सामान्य संबंध होने के साथ साथ यह प्राकृतिक संबंध भी है अगर प्राकृतिक संबंध है तो प्राकृतिक नियम जो होते हैं वो अनिवार्य भी होते हैं और सार्वभौम भी होते हैं तो एक प्रकार का अनिवार्य और सार्वभौम संबंध भी है क्लियर यानी यह जो संबंध है इस प्रकार का संबंध है तो जो यह शब्द इस्तेमाल किया गया इन दोनों के संबंध के बीच में तो जो ये धुआं दिखा अब फिलोसफी ने इसको एक टेक्निकल टर्म दे दिया तो जो ये जिसको हमने साधन बनाया ना ठीक है ना जिसको साधन बनाया तो साधन इसमें क्या है धुआं तो उसको कह दिया हेतु इस साधन से हमने कुछ सिद्ध किया तो उसको कह दिया साध देखो जरा जब हम शब्द संबंध इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो संबंध तो दो के बीच में ही होगा ना शब्द अपने आप मांग कर रहे हैं यानी यह संबंध है किसका संबंध है हेतु का और साध का क्लियर तो हेतु और साध का जो ये संबंध दिख रहा है तो इस संबंध को थोड़ा सा और क्लियर किया इन्होंने और इसको नाम दे दिया बोले है जो विशेष संबंध है हम इसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति तो अब शब्द आया इसे तोड़ना पड़ेगा समझने के लिए जो ये व्याप्ति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है वी आप्ति तो वी एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है तो वी का मतलब है यहां पर विशेष से स्पेसिफिक से तो अपने आप ही व्याप्ति का मतलब हो गया आपका विशेष संबंध क्लियर अब जरा हम यहां शब्द रख देते हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है ये हो गई व्याप्ति संबंध क्लियर और ये तो पर्वत पर धुआं यह तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना मुझे तो चारवा को इससे तो समस्या है ही नहीं क्लियर यदि उसे अनुमान को काटना है तो क्या करे इसको काट देना इस संबंध को काट देना क्लियर यदि उसे इस व्याप्ति संबंध को काटना है तो विशेष संबंध का खंडन कर देना अगर ये लाइन ही ना बने इधर ये बिचारा यहीं तक देखता रह जाए पता ही लगेगा क्या है बलो ना तो अगर चार वाक इस पॉइंट को काट दे विशेष संबंध को सामान्य संबंध को प्राकृतिक संबंध को अनिवार्य सार्वभौम संबंध को तो बिचारा अनुमान तो इस संबंध पर ही निर्भर है ना तो अपने आप ही अनुमान नहीं होगा ना सभी को पॉइंट फिर हैं अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है प्लस मान पश्चात ज्ञान यानी अनुमान पूर्ववर्ती ज्ञान के बाद होने वाला ज्ञान है क्लियर तो यदि चार वाक पूर्ववर्ती ज्ञान का ही खंडन कर दे तो पश्चात ज्ञान नहीं होगा ना तो चार वाक इस अनुमान का खंडन करने के लिए पूर्ववर्ती ज्ञान जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है इस प्रकार का संबंध बताने वाले व्याप्ति ज्ञान का खंडन करते क्योंकि अनुमान तो व्याप्ति पर ही निर्भर है ना तो अपने प्लान बन जाएगी अनुमान का आधार क्या है व्याप्ति क्लियर तो चार वाक इस अनुमान के खंडन के लिए व्याप्ति का खंडन कर देता है क्लियर आगे बढ़ेगी व्याप्ति का खंडन यानी संबंध का खंडन करना हुआ संबंध के खंडन के लिए वह विशेष संबंध का खंडन करेगा सामान्य संबंध का खंडन करेगा प्राकृतिक संबंध का खंडन करेगा अनिवार्य और सार्वभौम संबंध का खंडन करेगा क्लियर सभी को पॉइंट तो चार वाक दर्शन अनुमान के खंडन के लिए इस व्याप्ति का खंडन करता है क्लियर तो अगर वो एक एक करके सबको काट दे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना खत्म व्याप्ति खत्म तो अनुमान खत्म देखें जरा चार वाक इनको कैसे कैसे खंडन करता है या इन्हें कैसे हटाता है देखते हैं करके आप लोग समझने पर ध्यान देंगे ये क्लास में लिखा हुआ है नोट में मिल जाएगा सब बस क्लास में समझना है आपको अपना थोड़ा राइट डाउन करते रहो जिससे कि आपके दिमाग में फॉरन बनता रहे आप यहां लिपिक बनने नहीं आए हो आई बनने आए हो फिलॉसफी पूरा समझना होता है ठीक ना देखें जरा अब उसे एक, एक करके शब्द हटाएगा उसने पहले एक शब्द पकड़ा विशेष संबंध तो छोड़ो उसने कहा पहले हम इस शब्द को ही देखते हैं संबंध को उसके पास तो एक ही पैरामीटर है साइंस कांटेक्ट उसके अलावा को तो समझाना नहीं तो रखा कि या तो हम एक बार में धुआं देखते हैं या एक बार में हम आग देखते हैं तो समझते हैं या तो मैंने इसको देखा क्या मैंने इसको देखा इनके बीच में कोई संबंध है वो तो दिख ही नहीं रहा है ना मुझे पॉइंट पकड़ में आ रहा ना उसने कहा या तो हमारा सेंस कांटेक्ट जो है धुएं से होता है या तो हमारा सेंस कांटेक्ट आग से होता है जब हमें संबंध प्रत्यक्ष ही नहीं होता है तो हम विशेष संबंध की बात कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि संबंध का तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है मान लो आपको लगा कि इनके बीच में एक संबंध है अब लेकिन परीक्षा आई जैसे ठीक ना समझ सकते हो अपना नोट छुपा लेते हैं कुछ भी नहीं दिखाएंगे इसे अब पता नहीं अंतर मन में क्या चल रहा है किस किस प्रकार के अंतर कलय है ये तो दिख ही रहा है ना तो चार वाक कहता है या तो हमारा कांटेक्ट धुएं से होता है या आग से होता है संबंध से तो होता ही नहीं है ना जब संबंध से होता ही नहीं तो हम विशेष संबंध की बात कर ही नहीं सकते हैं थोड़ा उसने और खींचा बोले चलो मान लेते हैं कि धुएं और आग में विशेष संबंध होता है बोले पहले तो होता ही नहीं है साहब बोले चलो मान लेते हैं कि धुएं और आग में एक विशेष संबंध है पहले तो काट लिया उसने बोले चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात विशेष संबंध होता है बोले विशेष संबंध मान भी लोगे ना तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा इनके बीच में कोई सामान्य संबंध नहीं है टर्म no जो धुआं था ना मिडिल टर्म था जो प्रूव करना था वो मेज टर्म था उसने पॉइंट रखा बट वी कैन नॉट से देर इज यूनिवर्सल रिलेशन हम ये नहीं कह सकते हैं कि विशेष संबंध होने के बावजूद भी इनमें एक सामान्य संबंध है अब कोई सामान्य नियम होता है ना सभी वाला साइंस होता ना ऑल बनाता है सभी धातु विद्युत की सुचालक हैं तो जब कोई हम सामान्य नियम बनाते हैं ना तो यह सामान्य नियम ऑब्जर्वेशन पर बेस होता है विज्ञान में प्रेक्षण यदि हम कोई सामान्य नियम बनाते हैं ना तो यह प्रेक्षणों पर आधारित होता है और सरल किया उदाहरणों पर आधारित होता है कहने का मतलब है यदि हम कोई सामान्य नियम बनाते हैं तो उदाहरणों पर लेकिन रियलिटी में उदाहरण तो एक एक करके ही बने ना उदाहरणों अब भाई जैसे मैंने कहा सभी मनुस्मरणशील हैं, ठीक ना तो जब ये बना होगा सेंटेंस सही मनुष्यमरणशील राम मरणशील है मोहन मरणशील है दिनेश मरणशील है गीता मरणशील है तो, तो बना हुआ सेंटेंस सही मनुष्य मरणशील है तो कुछ उसने ऐसे ही पॉइंट को लिया उसने कहा कि यदि हम सामान्य नियम की बात करते हैं तो सामान्य नियम जो हैं हम कुछ उदाहरणों के आधार पर ही बना देते हैं मतलब उसका क्या था कि हमारे अनुभव में वर्तमान के कुछ ही उदाहरण होते हैं वी हैव हैव्यू एग्जाम्पल्स दीज एग्जाम्पल टू प्रेजेंट लाइफ वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स ओनली कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास तो इफ वॉन्ट टू डिफाइन यूनिवर्सल रिलेशन देन वी कैन नॉट इंक्लूड पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस यदि हम कोई सामान्य नियम बनाए तो सामान्य नियम में ना तो हम अतीत के उदाहरणों का समावेश कर सकते हैं और ना ही भविष्य के उदाहरणों का समावेश कर सकते तो चार ने पॉइंट रखा कि जो सामान्य नियम है ना वह वर्तमान के कुछ उदाहरणों पर आधारित है वर्तमान कुछ उदाहरण कुछ स्थानों तक ही निर्भर है धुआं जहां जहां है वहां वहां आग है ये सेंटेंस बनाया भी होगा हमने तो जयपुर जोधपुर लखनऊ पूना हैदराबाद दिल्ली ही देख ली होंगे अब ग्रीनलैंड पे तो ना गए? अंटार्कटिका पर चले गए देख लिया वहां भी जाके चार पॉइंट रखा कि हम जो भी सामान्य नियम बनाते हैं वह वर्तमान के कुछ उदाहरणों पर आधारित होता है और यदि कुछ को आधार बनाकर हम सामान्य नियम बना दें, तो साहब है तो एक दोष है ऐसे मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मैंने कहा आपको तो पॉलिटी बहुत अच्छी आती है थोड़ी देर बातचीत अरे आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी आती है फिर थोड़ी देर बाद अरे आपको इतिहास ही बहुत अच्छा था कुछ मैंने उधर आपका अनुभव बटोरा अरे तो आपको तो आई बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है अब आगे जाना ही नहीं कि साइंस टेक भी पढ़नी थी आई भी पढ़ना था करंट अफेयर्स भी पढ़ने थे विश्व इतिहास ही पढ़ना था थिक्स का पेपर भी पढ़ना था दो ऑप्शन भी पढ़नी थी निबंध भी लिखना आना चाहिए था लेकिन मैंने कुछ उदाहरण लिए तो कुछ उदाहरण के आधार पर यदि सामान्य बात कह दी जनरलाइजेशन कर दिया ना तो ये गलत तरीके से निगमन हुआ ना तो चार बात ने कमेंट किया यदि कुछ उदाहरणों के आधार पर यदि हम कोई सामान्य नियम बना देते हैं ना तो वह एक दोष होगा और वह दोष कहलाएगा अवैध सामान्यकरण का दोष ऑफ जनरलाइजेशन यानी उसने व्याप्ति में कमी बता दी बोले साहब इसमें तो कमी है विशेष संबंध काट दिया पहले फिर सामान्य संबंध काटा ध्यान रखो जब भी आप परिभाषा ओपन करो जिस सीक्वेंस में शब्दों का इस्तेमाल करोगे उसी सीक्वेंस में उनका खंडन होना चाहिए यह बिल्कुल नहीं करोगे कि पहले सामान्य संबंधो काटो फिर विशेष संबंधो काटो फिर प्राकृतिक संबंधों काटो जिस सीक्वेंस में आपने परिभाषा में शब्दों को ओपन किया है बताया है ना उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए अदरवाइज वो टीचर नंबर काट सकता है आपके ध्यान रखो लिखा तो सब कुछ है लेकिन आपको लिखने का तो ढंग ही नहीं आता है ना ये बहुत ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें और ये छोटी छोटी चीजें से ही पता लगता है कि आप में कितनी संवेदनशीलता है आप अपनी बातों को कितनी सहजता से समझा सकते हो सर ये छोटी सी गलती है अरे आपके एक साइन से तो ना हजारों का लाखों का नुकसान हो सकता है देश को ये छोटी गलती नहीं है ये बहुत बड़ी गलती होती है ध्यान रखो आप कहते हो सर छोटी सी गलती हुई हमसे अरे छोटी नहीं है हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हो ना तो जिसने छोटी गलती करना शुरू किया ना वो एक बड़ी गलती कर ही सकता है ध्यान रखो कहने के तौर तो पर छोटी सी गलती होती लेकिन आपको क्रमिकता का ही पता नहीं है हमने कहा चलो बताओ अपने बारे में क्रम से बताओ जब हम शब्द इस्तेमाल करें क्रम से बताओ तो तीसरे को पहले रख दोगे क्या ध्यान रखो हमने शब्द इस्तेमाल किया कि व्याप्ति विशेष सामान और प्राकृतिक संबंध है तो प्राकृतिक को पहले नहीं बताओगे गलत हो जाएगा प्रेजेंटेशन का तरीका क्योंकि वो अपेक्षा करेगा कि पहले ये बच्चा विशेष संबंध पर चर्चा करेगा फिर सामान्य संबंध पर चर्चा करेगा फिर प्राकृतिक संबंध पर चर्चा करेगा बिल्कुल ध्यान रखना है ये गलतियां नहीं की जाती करके चले आते हैं कि कोई बताता नहीं है कैसे लिखा जाता है ठीक तो ना तो बिल्कुल समझो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी में तो शब्द अब अगला बचा प्राकृतिक संबंध उसने ये भी काट दिया ये भी काट दिया अब बारी आनी थी प्राकृतिक संबंध की आप कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है अंतर कुछ भी नहीं पड़ता है लेकिन ध्यान रखो जिस क्रम को आपने फॉलो किया उसको खुद तो फॉलो करो आप ही कह रहे हो साहब हम ऐसे बताएंगे और खुद ही भूल गए हम क्या बताएंगे अगर कॉपी में कहीं भी अंतर विरोधी विचार मिलते हैं आपकी कॉपी में तो टीचर आपको जीरो नंबर दे सकता है उसके पास पूरा राइट्स है सभी राइट्स होते हैं टीचर के पास कॉपी चेकिंग होती ना आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते तो किसी भी प्रकार से क्लेम नहीं कर सकते हो उसे कहीं भी कंट्राडिक्शन दिखता है ना तो बिल्कुल बात ध्यान रखो ठीक ना देखें जरा <coughs> फिर बात आती है प्राकृतिक संबंध की हाउ वी डिफाइन दिस ने रिलेशन पॉइंट आया कि धुएं और आग के बीच में जो संबंध है वो तो प्रकृति का नियम है प्रकृति के नियमों में अनिवार्यता होती है प्रकृति के नियमों में सार्वभौमिकता होती है अब चार ने प्रश्न किया कि अगर आप यह कहते हो कि एक प्राकृतिक संबंध है तो साहब हमें यह तो बता दो कि इस प्राकृतिक संबंध का हमें ज्ञान कैसे होगा कि प्रकृति का नियम जो है वह अनिवार्य सार्वभौम है देखें जरा चार इस पॉइंट पर कमेंट किया <coughs> बोले प्रकृति का नियम हुआ ना जैसे समझते हैं यह सूरज पूरब से निकलता है बोले कल सूरज पूरब से निकला था आज सूरज पूरब से निकला है कल भी सूरज पूरब से निकलेगा बोले प्रकृति का नियम है ना बोले कल सूरज पूरब से निकलेगा ये कैसे कह सकते हो तुम अनुमान करोगे ना पॉइंट यदि कोई प्राकृतिक नियम है सर्दी के बाद गर्मी आती है गर्मी के बाद बरसात आती है फिर ये होता, ये होता है प्रकृति के नियम है बादल होने से बारिश होगी प्रकृति का नियम है ना तो पता कैसे लगे अनुमान ही तो करते हैं ना उसने पॉइंट रखा कि यदि आप ये कहते हो व्याप्ति जो है उसका आधार प्रकृति का नियम है फिर पॉइंट हुआ प्रकृति के नियम का आधार क्या है चलो थोड़ा सा और खींचा प्रकृति के नियम का आधार कार्य कारण का नियम है फिर पॉइंट आया बादल बरसात वाला पॉइंट रखा जैसे बोले कार्य कारण के नियम का आधार क्या है बोले साहब आपको बोल नहीं पड़ेगा कार्य कारण के नियम का आधार तो अनुमान है तो चार ने पकड़ लिया साहब ये कर क्या रहे हैं जनाब आप आपसे पूछा कि अनुमान का आधार क्या है तो आपने कहा व्याप्ति है जब इनसे पूछा गया कि अनुमान का आधार क्या है दोनों तो ने कहा व्याप्ति है घूमने लगे फिर जो तो पूछा व्याप्ति का आधार क्या है बोले आपने कहा प्रकृति के नियम है नेचरस लॉ है फिर पूछा क्या भाई कार्य प्रकृति नियम का आधार क्या है फिर आपने कॉज एंड इफेक्ट बोले कार कारण का नियम है फिर घूम के फिर कहा कर कार कारण के नियम का आधार बोले हनुमान है इधर घूम तो करके फिर वहीं खड़े हो गए मैंने इससे कहा अपने बारे में बताओ तो इसने कहा सर मैं नहीं बताऊंगा ये बताएगी तो मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तो उसने कहा सर मैंने ये बताएगी फिर तो इससे कहा तुम बताओ उसने तो कहा सर मैं नहीं आप ही बता दो मेरी बारी आई बोले ये बताएगा और अरे घूम फिर के वहीं आ गए बार बार फिर तो कुछ ही पता नहीं लगा किसी के बारे में ही पता नहीं लगा फिर तो मुझे चार वाक्यों ने कहा यदि आप ये कहते हो कि व्याप्ति प्रकृति के नियम पर आधारित है तो आप घूम फिर कर परिक्रमा करा रहे हो फिर तो बोले ये तो भाई बहुत बड़ा दोष है इसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आप ऐसे बात करोगे ना तो इसमें एक दोष आ जाएगा और वह दोष कहलाएगा चक्रक दोषैलिस <coughs> ऑफ सर्किल वो क्या कर रहा है व्याप्ति में कमियां बता रहा है कि करके उसने कहा कि जब आप विशेष संबंध की बात करते हो संबंध तो होता ही नहीं है आपने सामान्य संबंध की बात कही तो ये तो अवैध सामान्य गण का दोष है बोले जब आपने प्राकृतिक संबंध की बात कही तो एक प्रकार का चक्रक दोष है क्लियर सभी को पॉइंट आप उसने काटपीट तो मचा दी तो फिलोसफी में जब खंडन होता है ना तो दार्शनिकों को और आधार मिल जाता है अब क्या है? ये चारों खाने चित्त हो ही गया तो एक लात और जमा लेते कुछ ऐसे ही समझ लो फिर उसे मौका और मिल गया बोले अब अब चलो आ गया आप, तो पूरे से निपटाई लेते हैं पूरी तरह से तो बोले साहब आप हमें जरा एक बात बताओ लिख मत देना ऐसे ठीक है हा अनुमान प्रमाण को समझाने के लिए आप एक प्रमाण ले आए व्याप्ति फिर जब व्याप्ति को समझाते हो तो कुछ और ले आते हो समझाने के लिए बोले जब आपको एक प्रमाण बताने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत पड़ती है दूसरा भी तो एक प्रमाण ही है साहब फिर उस प्रमाण को बताने के लिए भी तीसरा प्रमाण लाना पड़ेगा तुम्हें तो फिर तो फिर भाई तीसरा भी तो एक प्रमाण है तो इसको तो समझाने के लिए फिर चौथे को लाना पड़ेगा फिर तो तुम्हें समझ रहे हो ना वही बात दूसरे के समझते हैं मैंने कहा ये बताए ये प्रमाण एक व्यक्ति है ये मेरे लिए प्रमाण है इसने कहा सही नहीं ये। मेरे लिए तो ये प्रमाण है इसकी बात है तो ये प्रमाण है ये प्रमाण है घूम पूरी बात क्लास में वो प्रमाण बेचारा बाहर निकल गया पता ही नहीं लगा कौन किसका प्रमाण है तो, ये तो सर्किल चल ये सर्किल की वजह तो और आगे बढ़ गया खतरनाक स्थिति हो गई यदि एक दूसरे पर निर्भर है और यह प्रक्रिया तो तो पहुंच जाएगी तो, ये तो, और बन गई। तो चार वाक ने पॉइंट रखा कि एक प्रमाण को व्यक्त करने के लिए आप दूसरे प्रमाण पर निर्भर हो जाते हो तो एक दार्शनिक दोष उत्पन्न हो जाएगा इसमें रुकेगी नहीं चेन बढ़ती चली जाएगी तो फिलोसफी की भाषा में कहा गया ऐसी अब तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है तो फिलोसफी ने एक शब्द रखा उसके लिए अनवस्था दोष अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट। बढ़ती चली गई बात रुकने का नाम ही नहीं ले रही अब तो ना रोको समझाने के लिए क्लियर पॉइंट सभी को तो व्याप्ति में कमी दिखाता चला जा रहा है कि भाई व्याप्ति में ना तो कोई विशेष संबंध है सामान्य संबंध की बात करते हो तो अवैध सामान्यकरण है प्राकृतिक संबंध की बात करते हो तो यह चक्रक दोष है अगर आप प्रमाणों की व्याख्या के लिए दूसरे प्रमाण पर निर्भर होकर बताने का प्रयास करते हो तो एक अनवस्था दोष है चार बात ने फिर और खींचा बोले चलो भाई आगे नहीं बढ़ते आप इतना तो मानोगे ना एक चीज को बताने के लिए आप दूसरे पर निर्भर हो तो कम से कम दूसरे को तो बता नहीं पड़ेगा दो लोग हैं तो दो कारण बतानी पड़ेगा अगर एक की व्याख्या ये दूसरा कर रहा है तो दूसरे की व्याख्या करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको मान लो दो लोग हो, अब दो लोग हैं तो दो लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ना पॉइंट रखा यदि अनुमान के लिए व्याप्ति एक स्वतः प्रमाण प्रमाण है लेकिन व्याप्ति की व्याख्या तो अपरिहार्य होगी तो व्याप्ति के लिए पुनः हमें अनुमान पर निर्भर होना होगा तो चार बाग ने फिर पकड़ लिया बोले साहब ये तो और बड़ा दोष हो गया बोले फेलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस बोले एक दूसरे पर निर्भर हो गए तो अन्य अन्य दोष पर ये अन्न इस पर निर्भर हो गया या कह सकते हो आत्माश्रय दोष बोले ये तो और बड़ी समस्या हो गई दोष हो गया ये इस पर और ये इस पर क्योंकि इसके लिए अन्न हो गया और इसके लिए ये अन्न हो गया दोनों जोड़ दिए शब्द बन गया अन्य आश्रय दोष या अंग्रेजी में शब्द रखा फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस तो भाई चार वाक ने एक एक करके व्याप्ति में दोषी दोष गिना दिए बोले साहब जिस व्याप्ति की आप बात करते हो ना वह व्याप्ति तो अंतर विरोधों की भरमार है जिसे सीखने गए ना वो तो खुद ही विरोधों से भरा पड़ा था तो जो खुद ही विरोधों से भरा पड़ा हो वो आधार क्या दे सकता है चार वाक ने बिल्कुल सीधी सी बात कही कि व्याप्ति बंच ऑफ कंट्राक्शन व्याप्ति तो विरोधावासों की भरमार है और इस व्याप्ति पर अनुमान निर्भर है तो बेचारा अनुमान तो अपने आप ही दम तोड़ देगा क्लियर चार ने बड़ी आसानी से तार्किक तौर पर इस अनुमान का खंडन कर दिया तो एक का तो सर काट लिया उसने अनुमान का अब दो और बचे कौन कौन से उपमान और शब्द देखें जरा एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जरा ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस टॉपिक का अनुमान प्रमाण का खंडन एक बार रिपीट करते हैं पूरी बार फिर से आगे बढ़ते हैं चार वाक दर्शन एक भौतिकतावादी दर्शन है अर्थात तत्व से दृष्टिकोण से चार भौतिकतावाद का समर्थन करता है अपने इस भौतिकतावाद की व्याख्या के लिए चारवाद दर्शन ज्ञानीमांसी पक्ष पर निर्भर होता है ज्ञानीमांसी पक्ष की वेचना के लिए वह ज्ञान के एकमात्र साधन प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकृति देता है इसलिए चारवा ज्ञान के अन्य प्रमाण अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण का खंडन करता है अनुमान प्रमाण का खंडन करने से पूर्व अनुमान को परिभाषित करते हुए कहता है या न्याय दर्शन के द्वारा दी गई अनुमान की परिभाषा स्पष्ट करना है आपको कि अनुमान पश्चात ज्ञान है पश्चात ज्ञान पूर्ववर्ती ज्ञान की अपेक्षा रखता है पूर्ववर्ती ज्ञान व्याप्ति ज्ञान है अर्थात व्याप्ति ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं यह व्याप्ति ज्ञान हेतु और साध्य के बीच का एक विशेष सामान्य प्राकृतिक अनिवार्य निश्चित संबंध है इस व्याप्ति के खंडन के लिए चारवा क्रमिक रूप से इसका खंडन करते हुए कहता है कि हम विशेष संबंध को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं क्योंकि या तो हमें धुएं का या आग का प्रत्यक्ष होता है हमें किसी संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होता है हम विशेष संबंध को स्वीकृति नहीं दे सकते जहां तक सामान्य संबंध की बात कही जाती है तो सामान्य संबंध तो उदाहरणों पर आधारित होता है लेकिन हमारे पास जो भी उदाहरण होते हैं वह वर्तमान जीवन के कुछ ही उदाहरण होते हैं और वर्तमान जीवन के कुछ उदाहरणों के आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाता है तो हम अतीत और भविष्य के उदाहरणों की अवहेलना कर देते हैं और कुछ उदाहरणों के आधार पर यदि निष्कर्ष का निगमन किया जाता है तो दार्शनिक तौर पर उसे अवैध सामान्यकरण के दोषी तो माना जाता है तो उसने समझाया कि सामान्य संबंध जो है वह अवैध सामान्यकरण के दोष से युक्त है और जहां तक यदि आप यह कहते हो कि प्राकृतिक संबंध होने के नाते या प्राकृतिक संबंध होने के कारण यह अनिवार्य और सार्वभौम संबंध है तो प्राकृतिक नियम जितने भी हैं वह कार्य कारण के नियम का अनुपालन करते हैं ठीक ना? का नियम कारण के नियम का पालन करते हैं कारे कारे का भी अनुमान पर आधारित होता है तब तो इस प्रक्रिया में बड़ा ही दोष है अनुमान के लिए व्याप्ति व्याप्ति की व्याख्या के, के लिए प्राकृतिक नियम प्राकृतिक नियम की व्याख्या के लिए कार्य कारण का नियम पुनः कार्य कारण की व्याख्या के लिए अनुमान पर आधारित होना तो चार कहता है इसमें तो एक दोष आ जाता है और वह दोष चक्रक दोष कहलाता है पुनः चार वाक इसकी कटु आलोचना करते हुए कहता है कि यदि अनुमान की सिद्धि के लिए एक अन्य प्रमाण व्याप्ति की आवश्यकता होती है तो व्याप्ति स्वयं एक प्रमाण है तो इस प्रमाण के लिए तीसरे प्रमाण की अप, अपेक्षा होगी यदि यह की अपेक्षा को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है या वृद्धि की जाती है तो एक दोष हो जाता है जिसे अनवस्था दोष कहा जाता है पुनः चारवाक कहता है कि यदि कोई अनुमान के लिए व्याप्ति को स्वतः सिद्ध प्रमाण के रूप में लेता है तब भी व्याप्ति की पुनर्व्याख्या तो आवश्यक हो ही जाती है कि व्याप्ति का आधार क्या है तब ऐसी अनुमान व्याप्ति पर और व्याप्ति अनुमान पर निर्भर हो जाता है यानी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं परस्पर अपेक्षा उलिया तो दोष बन जाता है इंटरडिपेंडेंस का अन्योन्याश्रय दोष इस पर चार वाक कहता है कि व्याप्ति तो विरोधावासी अवधारणा है जो स्वयं अंतर्विरोधों से ग्रसित है और जो स्वयं विरोधों से भरा पड़ा हो वह किसी भी प्रमाण का आधार नहीं हो सकता है इस प्रकार चार वाक व्याप्ति के खंडन से अनुमान प्रमाण का खंडन कर देता है क्लियर सभी को यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ रटना नहीं वो क्रमिकता ही होती है अपने आप ना? इसलिए मैंने मना किया कि शुरुआत के दिनों में आप किताबों से थोड़ा बचकर रहना या पूरा समझ में आने लगे ना तब इन बड़े विद्वानों की किताबों का अध्ययन करना है आपको अपने अनुसार इन विद्वानों की बातों को नहीं समझना है किसी विचारधारा को समझने के लिए हमें उसी दृष्टिकोण पर आना पड़ता है तभी इन्हें संपूर्ण रूप से समझा जा सकता है हमें अपनी सोच को उस पर आरोपित नहीं करना है उन्होंने ऐसा क्यों कहा यह समझना है ध्यान रखना है मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं यह सब कुछ चारवा कह रहा है ना आप कहोगे सर अनूप सर ने ऐसा कहा अनूप सर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हर बार चारवा की बोल रहा है कि कल चारवा का पूर्ण रूपण खंडन होगा अभी तो एक पहलू है दूसरा पहलू तो बाकी होगा फिलॉसफी खासियत यही होती है जब एक पक्ष को रखा जाता है ना तो आपको है एक पक्ष सर्वथा उचित ही लगता है होता है ना आपका दोस्त बताता है कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया तो आपको भरोसा होने लगता है कि साहब उसके साथ ऐसा उसने किया ही होगा तभी ऐसा कह रहा है लेकिन जो दार्शनिक होता है ना वो निर्णय तब तक नहीं लेता है जब तक की दूसरे की बात ना सुन ले तभी वह दार्शनिक होता है सही मायने में चार मान माना जाता है अभी तो चार बात कह रहा है एक पक्ष कह रहा है अभी दूसरा पक्ष तो इसकी बखिया उधेड़ेगा ना अरे साहब तुमने ऐसा क्यों कह दिया आपने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं कहा देखेंगे उस पार्ट को भी क्यों ठीक नहीं कहा इन्होंने फिलहाल आगे बढ़ते अनुमान प्रमाण खंडन अनुमान प्रमाण खंडन करने के बाद चार वाक दर्शन जो है उपमान प्रमाण का और शब्द प्रमाण का खंडन करता है तो मैंने आपको समझाया कि यदि किसी का खंडन करना है तो सबसे पहले उसे परिभाषित करना होगा बिना परिभाषित किए खंडन नहीं कर सकते ध्यान रखना तो उपमान प्रमाण को पहले परिभाषित करते हैं जरा तो पहले एक उदाहरण लेते हैं समस्या को ठीक ना जैसे उदाहरण जो उन्होंने पर्वत का बनाया था ऐसे ही न्याय ने अपना उस जमाने में उदाहरण बनाया ठीक ना इस पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने पॉइंट रखा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति नील गाय को नहीं जानता है सभी लोग नील गाय को जानते हैं ना हाँ चलो हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो उन्होंने कहा मान लो कोई व्यक्ति नील गाय नहीं जानता है लेकिन जो व्यक्ति जंगल में रहा हो जंगलवासी हो वह नील गाय के बारे में जानता है तो जब कोई उससे पूछता है कि नील गाय कैसी होती तो है उसने बताया कि नील गाय तो गाय की जैसी ही होती है जब वह व्यक्ति कभी भविष्य में जंगल जाता है तो उसे जंगलवासी की बात याद आ जाती है तो उसने बताया था कि नीलगाय गाय की जैसी होती है और उस ज्ञान के आधार पर जब वह देखता है उसको ना तो जान जाता है तो यानी जो उसके पास सादृश्य ज्ञान था सिमिलर नॉलेज थी उस सादृश्य ज्ञान के आधार पर जब उसने प्रत्यक्ष किया या प्रत्यक्षीकरण किया तो उसे कहा जाता है उपमान यानी न्याय दर्शन ने परिभाषित करते हुए कहा सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण ही उपमान है क्लियर ये तो न्याय ने कहा फिर चार बात किसके पीछे पड़ गया बताओ जरा इस लाइन में सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण बोले पता तो था मुझे नील गाय गाय के समान होती है लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे साहब तो बोले सादृश्य ज्ञान की वैधता किस पर निर्भर है बोले इसकी वैलिडिटी तो इस पर ही निर्भर है ना बोले साहब जब प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर है तो इसकी जरूरत ही क्या है क्लो पॉइंट बोले साहब इसको प्रमाण मानने की जरूरत ही क्या है बोले इस प्रमाण की तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं उपमान प्रमाण की क्योंकि उपमान प्रमाण की वैधता या वैलिडिटी जो है ना वो तो प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर है तो इसको अलग से प्रमाण मान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है इस उपमान प्रमाण को तो हम प्रत्यक्ष में ही मिला लेते हैं खत्म बात सभी को पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना एक मात्र राजा बनना हो चार राजा हो तो एक का तो काट लिया अनुमान का उसने बोले उपमान अरे तुम फिर जाओ तुम तो मुझ में ही हो तुम्हारा तो स्वतंत्र कोई अस्तित्व तो है ही नहीं तो चार बाकियों ने क्या किया उपमान को प्रत्यक्ष में ही मिला लिया यानी इसकी तो सत्ता ही खत्म कर दी क्लियर सभी को तो इसका खंडन तो आसानी से कर दिया उसने क्लियर तो चार वाक दर्शन ने उपमान प्रमाण के खंडन करने के लिए कहा कि यह तो प्रत्यक्ष पर निर्भर है क्लियर तो इस तरह से चार वाक ने उपमान का बड़ी ही सहजता से खंडन कर दिया उसको इसमें ही मिला लिया क्लियर सभी को तो इसके लिए उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा कम शब्दों में ही काम चला लिया उसने अब बचा एक और प्रमाण शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण यदि शब्दों को प्रमाणिक होना है तो शब्द प्रमाणिक तभी हो सकते हैं जब किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ जो हो उसको कहता हो जैसे कि कोई साइंटिस्ट हो कोई भौतिक विज्ञान का ज्ञानी हो भौतिकी के विषय में बताएं, कोई रसायन शास्त्री हो रसायन विज्ञान के बारे में बताएं, या कोई धर्म का विद्वान हो धर्म के बारे में बताएं, तो उसके बताए हुए शब्द प्रमाणिक हो सकते हैं ना यदि भगवान कृष्ण गीता में धर्म की पर चर्चा करते हो तो वह धर्म के क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं ना तो कुछ ऐसे ही शब्द प्रमाण को परिभाषित किया गया किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ जो है उसको तकनीकी भाषा में कहा गया पुरुष अपने बोलते ना आप तो किसी क्षेत्र विशेषज्ञ को किसी क्षेत्र विशेषज्ञ को आप्त कहा गया तो आप्त के उपदेश बड़े लोगों की जो बातें होती हैं वो उपदेश के जैसे ही होती हैं तो परभाषा बनाने के क्रम में उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया आप्त के उपदेश आप्त का कथन आप्त का कथन ही शब्द प्रमाण है तो चार वाक तो भाषा पकड़ता है अब जैसे मान लो फिलोसॉफी पढ़ने आए किसी ने कहा सर दर्शन के बारे में व्याख्या कर सकते हैं तो आपने प्रश्न किया सर कैसे मान ले कि आप इस विषय के विशेषज्ञ हो तब तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा कि भाई अनुमान कर लो इस बात का अभी कुछ दिनों तक ये क्या नहीं पड़ेगा और कोई जवाब ही नहीं तत्कालीन समय में तो चार बाग ने सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन मार्ग कर दिया कि आप व्यक्ति किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है तो हमें तो उस पर अनुमान करना होगा बोले अनुमान करना होगा बोले अनुमान को तुम पहले ही गाड़ चुके हैं अनुमान की तो वैधानिकता वैसी उचित नहीं है तो उसने लॉजिक रखा बोले तुम आप की बात करते हो आग पर तुमको सन्मार करते बोले कि अगर आप क्षेत्र के विशेषज्ञ हो तो मुझे अनुमान करना पड़ेगा अगर आप विशेष विशेषज्ञ हो तो अनुमान करना पड़ेगा अनुमान को तुम पहले ही खंडन कर चुके हैं उसने एक लॉजिक रखा अपना उसे मजा आने लगा खंडन में तो उसने और बात कही चार ने पुनः कहा कि इस बात की व्याख्या भी अपरिहार है कि आप तो को ज्ञान हुआ कैसे अरे आपके पास जो ज्ञान हुआ या जो ज्ञान आया या तो उसने खुद जाकर कहीं देखा होगा ना या किसी से सुना होगा जब तक उसने देखा और सुना नहीं होगा तब तक तो उसे ज्ञान हो नहीं, नहीं था ना तो चारों ने पकड़ लिया फिर और कीचा। बोले देखना और सुनना है क्या ये तो सेंस कांटेक्ट है ना बोले सेंस कांटेक्ट तो ये प्रत्यक्ष हुआ ना बोले साहब आप को जो ज्ञान हुआ वो तो प्रत्यक्ष ही है तो इसकी जरूरत ही क्या है तो हम प्रत्यक्ष कोई क्यों प्रमाण ना मान ले एक कमेंट किया कि हम आप का अनुमान करेंगे दूसरा लॉजिक उसने रखा कि आप का ज्ञान बोले आप जो भी ज्ञान हुआ है वह तो इंद्रिय सन्निकर्ष पर इंद्रिय अनुभव पर आधारित है अगर ये इंद्रिय अनुभव पर आधारित है तो आप्त की तो कोई जरूरत ही नहीं क्लियर अब पूरी की पूरी दर्शन परंपरा वेदों पर आधारित है आप कहते हो कि शब्द प्रमाण इसलिए प्रमाण है क्योंकि वेदों में कहा गया है उसने उस पॉइंट को और खींचा बोले यदि आप यह कहते हो कि शब्द प्रमाण इसलिए प्रमाण है क्योंकि वेद में कहा गया है अरे इन वेदों का क्या चार वाक ने और कमेंट किया व्यंग कर दिया और जब भी वेदों को देखते हैं तो कोई वेद कोई बात बताता है कोई वेद कोई बात बताता है अलग अलग धर्म शास्त्र अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। कभी कहेंगे परम तत्व सूक्ष्म है कई कहेंगे कि परम तत्व सर्वव्यापक है कभी कहेंगे कि वह व्यक्तिक है कभी कहने लगते हैं। निर्व्यक्तिक है तो उसने कहा ये जो वेद है, जो हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं आपके जितने भी जिन्हें आप प्रमाणिक मानते हो वो तो स्वयं में ही विरोधाभासी हैं बोले तुम्हारे जो वेद हैं ना वो तो विरोधाभासों की भरमार है अब आप पढ़ने आए आपसे का वेद पढ़ लो वो वेद तो विरोधावासी है। जब ज्ञान का आधार विरोधावासों की भरमार हो तो ज्ञान का आधार कैसे बन सकता है चारवा को बड़ा मजा आया खंडन करने के बाद उसे लगे हाँ तो एक बात और कह दी फिर बोले ये बताओ ये वेद बनाए किसने हैं बोले वेद जो हैं कुछ स्वार्थी लोगों के मस्तिष्क की उपज हैं इन स्वार्थी लोगों ने अपने आजीव का उपार्जन के लिए ना केवल अपने आजीव का उपार्जन के लिए बल्कि अपनी संतति की आजीव का उपार्जन के लिए एक योजना बनाई जिसके तहत वेदों की रचना कर डाली तो वेदों की रचना के पीछे इनका स्वार्थ है बोले जब कोई ज्ञान स्वार्थ की उपज हो तो उसे तो ज्ञान की संज्ञा दे ही नहीं जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ कुछ निहित उद्देश्यों पर निर्भर होता है तब ऐसी स्थिति में हम ज्ञान के आधार के लिए वेदों पर कैसे निर्भर हो सकते हैं जो स्वार्थी तत्वों की उपज है क्लियर ध्यान रखना कि ब्राह्मण मत लिख देना। किताब में लिखा रहता है धूर्त तो ब्राह्मण नहीं लिख देना कॉपी चेक करने वाला ब्राह्मी नहीं होगा ठीक ना? हाँ, लिखा रहता है मजाक के लिए तो ठीक है ध्यान रखो अगर हर ब्राह्मण गलत होता ना तो ज्ञान की परंपरा कदापि आगे नहीं बढ़ सकती थी तो आपको शब्दों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होना है किताब में भले ही लिखा हो ठीक ना लेकिन आप एक यूपीएससी अप्लिकेंट हो शब्दों तो के प्रति संवेदनशीलता आपको आनी ही चाहिए आप ये लिखोगे कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण वेदों की रचना हुई भले ही चार कहता हो लेकिन आप तो वो लिखो जो उचित लगता हो ठीक ना तो चार वाक्यों ने पॉइंट रखा कि स्वार्थ के कारण यदि ज्ञान की व्याख्या की जा रही है तो उसे ज्ञान का आधार नहीं बनाया जा सकता इस तरह से चार ने शब्द प्रमाण का भी खंडन कर दिया सभी को अनुमान भी काट दिया उपमान भी काट दिया और शब्द प्रमाण के लिए चार लॉजिक और रख दिए एक तर्क रखा आप आप का अनुमान बोले आप का ज्ञान इस पर क्वेश्चन मार्क बोले आप जो शब्द प्रमाण है वेद कहोगे तो वेरो दुर्धावासी बोले वेद जिसकी उपज है वो स्वार्थ वृत्ति का परिणाम है तो इस तरह से चार वाक ने अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण का खंडन कर दिया इन खंड इसके खंडन से ही चार वाक को अब आधार मिल गया कि एक महात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण है तो चार के लिए प्रत्यक्ष इंद्री सन्निकर्ष ज्ञान है अब सन्निकर्ष बोलोगे ना कांटेक्ट बोलोगे ना तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही आएगा चार ने कहा कि एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष इंद्री सन्निकर्ष ज्ञान है इंद्री सन्निकर्ष ज्ञान किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा रखता है इस प्रकार चारवाक अपने ज्ञानी विवेचन से अपने ज्ञानी विश्लेषण से अपने भौतिकतावाद की सिद्धि करता है इस पॉइंट पर उसे आना ही था यानी चारवाक को अपने भौतिकतावाद की सिद्धि करने के लिए ज्ञान मीमांसा पर निर्भर होना पड़ा और उसने ज्ञान मीमांसा की व्याख्या इस प्रकार से करनी शुरू की कि तो उसका भौतिकतावाद सिद्ध होना ही था इसलिए लिखा होता है कि चार वाक्य की तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा की उपज है ठीक ना इस प्रकार चार वाक ने एकमात्र माण प्रत्यक्ष की स्थापना की उस एकमात्र प्रत्यक्ष की स्थापना से भौतिकतावाद की स्थापना की क्लियर सभी को तो ये तो था चार का ज्ञानी मानसी विदेश तो ये चार वाक दर्शन का एक टॉपिक आपने पूरा किया अब दूसरा पक्ष है उसका तत्वीमानसी पक्ष जिसकी चर्चा हम कल करेंगे आज के लिए आपका जो संवाद है यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक ना थैंक यू कल मिलते हैं फिर हम लोग इस पॉइंट को लेकर